हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑफिशियल प्रॉपर्टी कलाकार में। दोस्तों, फिर से एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ में आ चुके हैं वृंदावन के अंदर। और बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि नया प्रोजेक्ट, मतलब 2023-24 का नया कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हमें चाहिए, तो स्पेशली उन लोगों के लिए लेके आए हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ हमने डाली भी हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट लमसम मतलब 25-30% इन्वेंट्री मतलब बुक भी हो चुकी है। मतलब अगर हम बात करें उधर से, तो वो फर्स्ट वाला जो हमारा 2 BHK फ्लैट है वो सोल्ड है और उसके आगे वाला भी सोल्ड है। अब हमारे पास में 1 या 2 फ्लैट ग्राउंड फ्लोर के बचे हैं, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर चालू होगा। तो इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, जिन लोगों को नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है वृंदावन के अंदर, लोकेशन में आपको बताऊंगा कहाँ पे पड़ेगी, एग्जैक्ट प्राइस क्या है, क्या टाइम इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं, ये हमारा मेन रोड है सोसाइटी का, क्योंकि सोसाइटी काफ़ी पुरानी भी है और सोसाइटी के अंदर हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि बहुत सारे जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। काना माखन स्कूल, जो वृंदावन में आपने सुना होगा, रुक्मणी विहार, उसके अंदर ये सोसाइटी है। इधर से एक बार पूरा दिखाइए, हमारा पूरा टावर नया कम्प्लीट बना है। इसके अंदर हमारे पास में 2 BHK, 1 BHK और स्टूडियो, ये हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, मतलब G+2 की ये टावर हम बना रहे हैं इसमें। और अगर आपको कॉर्नर का कोई फ्लैट चाहिए तो कॉर्नर का भी अभी मिल जाएगा, ग्राउंड पे चाहिए ग्राउंड का मिल जाएगा आपको। और इसमें हमने अंडरग्राउंड पार्किंग की भी सुविधा दी है, सारी चीज़ हमने इसमें कंप्लीट करा के आपको देंगे। तो मैं प्रोजेक्ट को अंदर से भी दिखाऊंगा। जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे आपको डेली बेसिस में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये टोटली MBDA अप्रूव्ड सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है। गेट सोसाइटी के अंदर गार्ड फैसिलिटी 24 घंटे। और इसमें अगर हम पानी की बात करें, तो पानी वृंदावन में नॉर्मली खारा पानी है, तो यहाँ पे पानी का लेवल अगर हम बात करें 100% तो नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत खारा पानी है यहाँ पे, मतलब पीने के लिए आपको RO का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, जिन लोगों को मतलब बिल्ड क्वालिटी चेक करनी है, किस टाइप का मटेरियल इसमें लग रहा है, उस चीज़ का भी पता चलेगा। क्योंकि नए प्रोजेक्ट में ये फ़ायदा रहता है कि जो चीज़ इसमें लग रही है उस चीज़ को आपको पता चलता रहेगा साथ के साथ में। अब मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा इसमें सामान यूज़ हुआ है, कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, पाइप किस टाइप के हैं, और मतलब सीमेंट किस टाइप का हम इसमें लगा रहे हैं, तो सारी चीज़ आपको पता चलेगी। क्योंकि नए प्रोजेक्ट का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट होता है तो नए प्रोजेक्ट की यही फायदा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइप, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। पाइप की बात करें तो आशीर्वाद के पाइप हम इसमें पूरे में लगा रहे हैं, जो कि हमारा पूरा मटेरियल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और जिसमें कि हम अच्छी मतलब सारी चीज अच्छी लगा रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइस भी थोड़े ठीक ठाक है इसमें। जब हम बात करते हैं जो हमारे ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स आप देख सकते हैं, ब्रिक्स में बहुत फायदा रहता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो वो गूगल पे थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। ब्रिक्स वगैरह में जैसे हीट वगैरह को बहुत ज़्यादा मैनेज ये करते हैं, उसके लिए ब्रिक्स चिपकाने के लिए आप देख सकते हैं, ये मैजिक का पूरा मतलब अच्छी क्वालिटी की हमने इसमें चीज़ भी यूज़ की है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला मटेरियल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का हम इसमें लगा के दे रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जिसमें कि आपको स्ट्रक्चर का पता चलेगा किस टाइप से बनाया हुआ है। तो ये 2 BHK का हमारा बैग है, जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है लॉबी पोर्शन, ये पूरा लॉबी है। इसमें कि अभी देखो नया है, तो इस टाइप से मुझे नहीं लगता कि आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, बट मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जस्ट सामने है, ये हमारा किचन पोर्शन है, जो कि पूरा आप देख सकते हैं। इसमें पूरा ट्रांसपेरेंट मिरर वगैरह लगा के देंगे, जो आपने देखा होगा, तो सारी चीज हम इसमें करा के देंगे। एक बेडरूम हमारा ये है और एक बेडरूम सामने है। पहला बेडरूम ये दिखाइए, जो कि बालकनी से अटैच है, ये हमारा बेडरूम, जिसमें कि अटैच लैट्रिन, वॉशरूम और अलमीरा, ये सारी चीज हम इसमें करा के दे रहे हैं। इसमें अलमीरा का प्रोविजन वो दे रखा है, आप दिखा सकते हैं, ये अलमीरा का पूरा वो दे रखा है। ये हमारे इधर की साइड में वॉशरूम है। अब मैं वॉशरूम की बात करूँ, तो वॉशरूम में भी हमने क्वालिटी जो यूज किया आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आंख मीच के देखो। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा, जब कंप्लीट हो जाती है चीज तो हमें पता नहीं रहता है कि अंदर क्या है, क्योंकि देखो जब इसके ऊपर सीमेंट हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या अंदर चीज डाली है। और आने वाले 1-2 साल में यही चीज हमें प्रॉब्लम देती है। तो ये हमने ऐसा काम किया है कि इलेक्ट्रिसिटी, अंदर के पाइप, सीमेंट, मतलब 10-20-50 साल तक आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइज आप देखिए वॉशरूम का कितना बड़ा साइज है, यहाँ पे भी हमने एडजस्ट के लिए पूरी सुविधा दे रखी है। ऊपर आप देखें तो पूरा लेंटर, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी पैसे की बचत की है, बिल्कुल नहीं। सामने का आप दिखाइए, ये पूरा हमारा स्पेस है, सामने का रोड भी आपको पूरा व्हाइट रोड मिलता है, और यहाँ पे पूरा वर्किंग कंडीशन में है, रात दिन काम चल रहा है। आप थोड़ा सा दिखाइए उधर की साइड में, रात दिन यहाँ पे काम चल रहा है, और यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी
कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक हम पोजीशन देना भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कर रखी है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन लोगों ने बुकिंग की थी 4800 रुपए स्क्वायर फीट में, आज का रेट बहुत हाई हो चुका है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वो लोग जिन्होंने बुकिंग की थी ना, अब ये समझ सकते हैं कि 3-3, 4-4 लाख के तो फायदे में हो गए वो अब तक। और जो लोग अभी बुकिंग करेंगे वो आने वाले 6 महीने 1 साल में हो सकता है कि उनको भी 5-6 लाख का फायदा हो जाए। तो अभी भी देर नहीं है, अभी भी आप बुकिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ये हमारा सेकंड बेडरूम है। उससे पहले ये हमारा कॉमन वॉशरूम एक बार दिखाइए। कॉमन वॉशरूम है जो कि लॉबी से अटैच है। आपको कॉमन वॉशरूम का भी साइज आप देखें, फिटिंग पे ध्यान दीजिए। फिटिंग आप देखोगे ना तो फिटिंग प्रॉपर करा रहे हैं, मतलब आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं आएगी उस टाइप की फिटिंग वगैरह करा रहे हैं। लकड़ी देखोगे, लकड़ी भी हमने कोई नॉर्मल लकड़ी नहीं यूज की, काफी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी वगैरह इसमें यूज कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है जो कि इधर की साइड में भी आप दिखा सकते हैं, बालकनी अटैच इधर की साइड में है। और सोसाइटी अगर आप सामने वाला इधर उधर देखोगे तो ये सोसाइटी हमारी थोड़ी पुरानी है, इसी के अंदर क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और वो सारे फ्लैट सोल्ड है, तो इसलिए हमने ये नया टावर बनाया है। यहाँ पे हमारे पास में स्टूडियो 1 BHK, 2 BHK फ्लैट हम लेके आए थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और ये हमारा स्टूडियो है और ये हमारा इधर की साइड में स्टूडियो। तो आपको अगर लेना है तो स्टूडियो भी ले सकते हैं, जिसको चाहिए कि हमें 2 BHK का स्टूडियो चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, जिसको चाहिए कि क्योंकि इधर से भी अभी नया बन रहा है तो आप चाहे तो यहाँ से भी गेट का मर्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट फ्लोर का भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, मतलब उसी टाइप का। सामने आप देखें, इधर की साइड आप देख सकते हैं सेम हमने जो क्वालिटी यूज की है, देख सकते हैं ये 1 BHK का है, वो स्टूडियो है तो पूरा उस टाइप से है। ये कॉमन एरिया है तो कॉमन एरिया भी काफी वाइड है, आपको देखने को दिख रहा होगा कॉमन एरिया भी काफी वाइड हमने दिया है। मैं इसको और ऊपर आपको लेके चलता हूँ। अभी तो इसमें सीढ़ियों से ही हमने प्रोविजन कर रखा है, बाकी जब आप आओगे तो और बताएंगे क्या क्या सुविधा इसके साथ में आपको मिल रही है। अब आप आ सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए सेम है ये हमारा। इधर भी साइड आओगे तो ये आपको दिख जाता है, देख सकते हैं आप पूरा, ये आप देख सकते हैं। तो 1 BHK टाइप का हमने बना रखा है, ठीक है सेम। ये 2 BHK का है इधर, ये आप देख सकते हैं 2 BHK का है सेम। तो हमने पूरा, और यहाँ पे अभी ये फायदा है कि अभी आपको जिस टाइप से आप चाहोगे उस टाइप से मॉडिफिकेशन भी करा पाओगे अपने फ्लैट के अंदर। थोड़ा सा ये भी दिखाइए, आप देख सकते हैं मतलब पूरा काम चल रहा है, ऐसा नहीं पूरे अच्छी तरीके से पूरा स्ट्रक्चर वगैरह पे अच्छी क्वालिटी का काम करा रहे हैं, सामान लगा रहे हैं, लकड़ी वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं। ये आप देखिए लकड़ी दिखाइए, लकड़ी का भी हमने इतनी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी लगाई है कि जिससे कि आपको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है वो आपको नहीं आएंगी। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की आपको रिटर्न गारंटी देंगे लिख के कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लकड़ी की, पाइप की, सीमेंट की, मतलब सारी चीज ऑन पेपर आपको देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा रहे हैं। आप आके चेक कीजिए, पहले देखिए जो चीज हम बोल रहे हैं वो चीज है कि नहीं है, उसके बाद में बुकिंग कराइए। अभी का जो प्राइस है वो 5500 रुपए स्क्वायर फीट इसका मांग रहे हैं। ऑन टेबल जो भी होगा मान सम्मान आपके लिए करेंगे, ये नेगोशिएबल प्राइस है, ठीक है। अगर आप न्यू ईयर तक बुक करते हो, क्योंकि न्यू ईयर में मुझे लगता है 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो अगर आप न्यू ईयर तक बुक करोगे तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऑफर भी हो हमारे पास में, जैसे कि गोल्ड कॉइन, स्कूटी या और भी कुछ ऑफर हो सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार जब बुकिंग ली थी तो हमने पार्किंग फ्री दी थी, तो अब हो सकता है कि पार्किंग फ्री भी आपको मिल जाए, बट न्यू ईयर से पहले। अगर न्यू ईयर के बाद में आप बुकिंग कराते हैं तो जो भी मान सम्मान होगा हम आपके लिए डेफिनेटली करेंगे। 5500 रुपये स्क्वायर फिट है, इसमें साइज है 1080, 1100 और 530 और 650, ये 3-4 साइज के हैं। बाकी जो भी 10-20 इंच ऊपर नीचे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज डाल दूंगा। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए। मैं बताता हूँ जो लोगों को नहीं पता है कि रुक्मणी विहार कहाँ पे है, तो रुक्मणी विहार वो एरिया है जो वृंदावन का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, जहां से पैदल आप प्रेम मंदिर जा सकते हैं, पैदल आप परिक्रमा मार्ग जा सकते हैं, पैदल आप इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, पैदल वांके बिहारी जी मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि रुक्मणी विहार वाला जो एरिया है वो बिल्कुल पॉश एरिया माना जाता है। और अब मैं बात करता हूँ कि डिस्टेंस वाइज, में जब मैं आपको पैदल बता रहा हूँ तो डिस्टेंस का मतलब है 1.5-2 किलोमीटर के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं। प्रेम मंदिर यहाँ से मात्र 600 या 800 मीटर होगा, वांके बिहारी जी मात्र 1.5 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस होगा, इस्कॉन टेम्पल मात्र 2 या 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, प्रेमानंद महाराज जी जो आप सबने सुना होगा, श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम जो कि परिक्रमा मार्ग में पड़ता है वो यहाँ से लमसम 2.5 किलोमीटर होगा,
चंद्रोदय मंदिर यहाँ से लमसम सेम मतलब आप सकते हैं 600 मीटर होगा, क्योंकि चंद्रोदय मंदिर का व्यू जब अभी तक ये पड़ा नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूं ऊपर से कि चंद्रोदय मंदिर तो आपको अपनी छत से ही दिख जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी प्रायरी लोकेशन है, थोड़ी सोसाइटी ओल्ड है बट ये वाला टावर हमारा नया है और सोसाइटी पूरी रिनोवेट हो रही है, सोसाइटी का पूरा चेंजमेंट हो रहा है, जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा और अभी आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। आप चाहें इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ पे ले सकते हैं, इसके बाद हम पूरा पेमेंट नहीं है, 10-15-20% भी है तो आप जमा करके इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, इसके बाद हम फुल पेमेंट है फुल पेमेंट में भी आप ले सकते हैं। मार्च अप्रैल तक हम यहाँ पे पजेशन दे देंगे और बाकी और कुछ जानकारी लेनी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस हमारा छटीकरा वाले रोड पे है वेद विहारी मंदिर के जस्ट सामने और ट्यूजडे ऑफ रहता है, तो जिस किसी को विजिट करना है फोन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं माफी चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया फोन नहीं उठता है कभी कभी, तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस वीडियो को लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, जो नंबर मैं बोलता हूँ 9997311749 जो नंबर आपको दिखाई देता है उन नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी कॉल नहीं उठता है तो उस टाइम पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप कर दीजिए, आप कमेंट में डाल दीजिए जो भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।